क्रैश होकर घर पर गिरा एयरफोर्स का MiG-21 विमान, 3 लोगों की मौके पर ही मौत। एयरफोर्स के MiG-21 ने सुतरगढ़ी से उड़ान भरी थी, यह हनुमानगढ़ जिले के बलोर नगर में क्रैश हो गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यह एयरफोर्स का MiG-21 विमान क्रैश होकर रियाशी इलाके में गिरा। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई। हालांकि दोनों पायलट खुद को इजेक्ट करने में सफल रहे। हनुमानगढ़ SP सुधीर चौधरी ने बताया कि विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी, यह बलोल नगर में क्रैश हो गया। विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर एक घर पर गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एयरफोर्स ने बताया कि वायुसेना के MiG-21 ने आज सुबह नियमित प्रेक्षण उड़ान भरी थी, तभी यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलट खुद को सुरक्षित निकालने में सफल रहे। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। इससे पहले जुलाई 2022 में राजस्थान के बाड़मेर के पास एक ट्रेडिंग उड़ान के दौरान MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में भारतीय वायुसेना के 2 पायलट शहीद हो गए थे। MiG-21 क्रैश होने की आज की घटना ने एक बार फिर सोवियत मूल के MiG-21 विमान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में MiG-21 विमान 1960 के दशक की शुरुआत में शामिल हुए थे और 2022 तक MiG-21 विमान से करीब 200 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। MiG-21 लंबे समय तक भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार हुआ करता था। हालांकि विमान का सुरक्षा रिकॉर्ड बहुत खराब है, विमान दुर्घटनाओं में कई की जान ले गया है। पिछले साल मार्च में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में बताया था कि पिछले 5 वर्षों में 3 सेवाओं के विमान और हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाओं में 42 रक्षा कर्मियों की मौत हो गई है। पिछले 5 सालों में कुल 45 हवाई दुर्घटनाएं हुई है, इनमें से 29 में भारतीय वायुसेना के प्लेटफॉर्म शामिल थे। MiG-21 क्रैश की हाल ही घटनाओं को देखते हुए एयरफोर्स ने इसे अपने बेड़े से हटा रही है। एयरफोर्स ने पिछले साल 30 दिसंबर तक MiG-21 बाइसन की एक स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से 2035 तक बाहर करने की योजना है। फरवरी 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के एक दिन बाद जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था, उस समय वह MiG-21 ही उड़ा रहे थे। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।